हेलो गाइस, टेक्निकल आइंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, दिवाली बहुत जल्द आने वाला है, तो आप सभी को मेरे तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली। दिवाली मतलब घर को डेकोरेशन करना। तो इस वीडियो पर मैं आपको एक काफी शानदार डेकोरेशन लाइट बनाकर दिखाऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चले जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डेकोरेशन लाइट बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा कुछ खराब ट्यूबलाइट। टोटल यहाँ पर मेरे पास जो है 5 ट्यूबलाइट है। इसमें से 3 ट्यूबलाइट तो मेरे घर पे ही पड़ा हुआ था खराब, और 2 ट्यूबलाइट मैं अपने दोस्तों से मांग कर लेकर आया हूँ। तो इस टाइप का आपको टोटल 5 ट्यूबलाइट ले लेना है, या फिर आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो। मेरे पास टोटल अभी 5 है। तो इन 5 खराब ट्यूबलाइट को यूज करके काफी बढ़िया सा डेकोरेशन लाइट बनाने वाला हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हमें जो है इस ट्यूबलाइट को खोल लेना है, और खोलने के बाद इसके अंदर का जितना भी कंपोनेंट लगा हुआ है, एलईडी स्ट्रिप जो लगा हुआ है और जो सर्किट वगैरह लगा हुआ है, इन सबको बाहर निकाल लेना है। तो चलिए जल्दी से मैं खोल लेता हूँ, और खोलने का जो प्रोसेस है वो काफी इजी है। यहाँ पर ये जो आप ढक्कन देख रहे हो प्लास्टिक का, ये आसानी से बाहर निकल जाता है। ये जो ऊपर का लॉक है, इसको हल्का दबाना है और इजीली खींचने पर बाहर आ जाता है। नॉर्मली कोई सा भी स्क्रू ड्राइवर से आपको हल्का सा इसके लॉक को जो है दबा देना है, और जैसे ही दबाओगे इसका ढक्कन जो है ढीला हो जाएगा, फिर आप निकाल लोगे इस तरीके से। देखिए काफी आसानी से निकल गया है। और ठीक इसके ऑपोजिट साइड पर भी एक ढक्कन है, इसको भी जो है हमें निकालना है। देखिए निकल गया है। अब इसके अंदर का सर्किट को धीरे धीरे करके निकाल लेना है। तो गाइस देख सकते हो, मैं पूरा सर्किट को जो है बाहर निकाल लिया हूँ। तो इन सब का हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये ट्यूबलाइट का जो बॉडी है इसको चाहिए। इस टाइप से हमें जो है सारे एलईडी को खोल खोल के सभी के अंदर से कंपोनेंट जो है बाहर निकाल देना है। तो चलिए जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ। तो गाइस सभी ट्यूबलाइट के अंदर से कंपोनेंट वगैरह बाहर निकाल के बिल्कुल फ्रेश कर दिया हूँ। खाली ये बॉडी बचा हुआ है, और देखिए ये खराब पुराना ट्यूबलाइट है, इसलिए थोड़ा बॉडी जो है क्रैक हो चुका है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ ये आगे वाला जो व्हाइट कलर का डिफ्यूजर है ये एकदम सही होना चाहिए। अब चलिए इन सभी ट्यूबलाइट को मैं एक साइड में रख देता हूँ। और इसके बाद गाइस आपको ले लेना है एक पीवीसी पाइप। इस पाइप का जो डायमीटर है 110 mm है। अब हमें इस पाइप में से 3 इंच लंबाई का 5 पीसेस जो है कट करके निकाल लेना है। तो चलिए मैं टेप से पहले मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, यहाँ पर 5 मार्किंग में लगा दिया हूँ। अब इसको राउंड करके मार्क करके इन 5 पीसेस को कट करके लेके आता हूँ। तो गाइस 5 पाइप के पीसेस को कट करके लेकर आ चुका हूँ। अब गाइस यहाँ पर क्या करना है, इस पाइप के एक साइड को जो है हमें कवर करना है, ढक्कन लगाकर पूरा पैक कर देना है। तो इसका ढक्कन बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ये पीवीसी शीट। सिंपली इसमें से जो है इसका ढक्कन कट करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है पाइप का पीसेस को रख लेना है, और इसके बाद अंदर से जो है मार्कर से मार्क कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से मार्किंग करके पीसेस को कट करना है। तो चलिए 5 ढक्कन को मार्किंग करके फटाक से कटिंग करके लेकर आता हूँ। तो गाइस 5 ढक्कन को कटिंग करके लेकर आ चुका हूँ। अब चलिए एक एक ढक्कन को जो है इस पाइप में लगाकर फिट कर देते हैं। तो सिंपली आपको इस तरीके से जो है पाइप में, देखिए गाइस कुछ इस टाइप से आपको बिल्कुल फेस बराबर सेट कर लेना है, और उसके बाद सुपर ग्लू से चिपका देना है। इसके बाद गाइज आपको जो है पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का पीसेस कट कर लेना है। त्रिकोण आकृति का पीसेस जो है कट करना है, टोटल 15 पीसेस, और ये 15 पीस हमें इन सब में लगाना है। और देखिए एक में जो है 3 पीस लगाऊंगा मैं। देखिए कुछ इस हिसाब से जो है आपको मेजरमेंट करके सेम दूरी पर जो है तीनों को चिपका देना है।
तो फाइनली हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो है बनकर रेडी हो चुका है। कुछ इस टाइप का आपको जो है बना लेना है और इसके बाद गाइस हमें जो है ये ट्यूबलाइट ले लेना है और इस ट्यूबलाइट को हमें इसके बिल्कुल सेंटर में जो है फिट करना पड़ेगा। तो सिंपली इस तरीके से आपको रखना है और उसके बाद जो है मार्कर से मार्किंग करके यहाँ पर एक ग्रुप कटिंग करके इस ट्यूबलाइट को थोड़ा सा अंदर डाल के हॉट ग्लू से चिपका देना है। तो चलिए इन सभी में ट्यूबलाइट को बढ़िया से फिट करके लगा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको हॉट ग्लू लगाकर जो है इसके साथ ट्यूब को बढ़िया से सेट करके चिपका देना है। और सेम इसी प्रोसेस से मैं बाकी को भी कर लिया हूँ देख सकते हो। और सभी ट्यूब को जो है एकदम सीधा सीधा करके आपको चिपकाना होगा तभी देखने में जो है बढ़िया लगेगा। अब गाइस हमें इन सभी ट्यूब के अंदर जो है कलरफुल LED लगाना है, तो अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो LED के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा ये पिक्सेल स्ट्रिप, कुछ इस टाइप का रेल में ये स्ट्रिप जो है आता है। और ये स्ट्रिप जो है 24 वोल्ट पर जलता है, इस टाइप का 5 वोल्ट में जलने वाला भी स्ट्रिप मिलता है। ये पिक्सेल स्ट्रिप है, हर एक LED जो है अलग अलग कलर में ग्लो होता है। और ये जो है इसका इनपुट पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हो कनेक्टर लगा हुआ है। और इसमें देखिए टोटल 3 वायर है, रेड वायर, ग्रीन वायर, व्हाइट वायर। तो व्हाइट वाला जो वायर है ये इसका नेगेटिव इनपुट है और रेड कलर का वायर जो है पॉजिटिव इनपुट है। और बीच में जो ग्रीन कलर का वायर है ये डाटा इनपुट है। नॉर्मली हम यहाँ पर 24 वोल्ट इनपुट देकर नहीं जला सकते हैं इस पिक्सेल स्ट्रिप को, इसमें डाटा भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक जो है बढ़िया सा कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। तो वो सब कंट्रोलर वगैरह बाद में लगाएंगे, पहले क्या करते हैं स्ट्रिप में से छोटे छोटे पीस जो है कट कर लेते हैं इस ट्यूबलाइट के हिसाब से। ट्यूबलाइट का जितना लेंथ है उस हिसाब से हमें जो है स्ट्रिप को कट करके इसके अंदर जो है चिपकाना होगा। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ स्ट्रिप को मेजरमेंट कर लेता हूँ कितना हमें कटिंग करना है। तो कुछ इतना सा जो है पीस हमें कट करना है। तो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पर एक पीस को जो है कटिंग कर लिया हूँ। अब हमें इसी साइज का बाकी 4 पीसेस को कट करना है। तो चले जल्दी से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो गाइस 5 स्ट्रिप को कट करके रेडी कर लिया हूँ और साथ में कनेक्शन भी कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए मैं एक छोटा सा वायर का यूज किया हूँ 3 तार वाला, और इसमें एक कनेक्टर भी लगा हुआ है। और स्ट्रिप में देखिए कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्ट होगा वो भी यहाँ पर दिखा रहा है बढ़िया से। देखिए ये GND लिखा हुआ है तो यहाँ पर ग्राउंड का वायर कनेक्ट कर देना है। और बीच में देखिए डाटा लिखा हुआ है तो डाटा का ग्रीन कलर का वायर जोड़ देना है। और यहाँ पर देखिए 24 वोल्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव का वायर जो है कनेक्ट हो चुका है। तो इस टाइप से आपको कनेक्शन कर देना है। और स्ट्रिप में आपको जो है इनपुट साइड पे कनेक्ट करना है। अब इनपुट साइड कैसे पता चलेगा, देखिए स्ट्रिप में जो ये एरो लिखा हुआ है तो ये एरो आगे की तरफ है, मतलब डाटा यहाँ से स्टार्ट होगा इधर जाएगा, तो ये वाला हिस्सा जो है इनपुट साइड है, यहाँ से डाटा इन होगा फिर आगे बढ़ते हुए जाएगा। तो इस तरीके से आपको सभी स्ट्रिप में जो है इनपुट साइड में ये वाला वायर जो है कनेक्ट कर लेना है। अब गाइस इन सारे स्ट्रिप को जो है ट्यूब के अंदर बढ़िया से सेट करके लगा देना है। तो सिंपली हम पीछे साइड से जो है स्ट्रिप को डालेंगे। तो इसको डालने के लिए आपको सबसे पहले इस स्ट्रिप के जो पीछे वाला ये स्टिकर है इसको आपको इस तरीके से निकाल लेना है। और देखिए इस स्ट्रिप में जो है ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ है, ये आसानी से अंदर जाके चिपक जाएगा। तो चलिए धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल लेता हूँ। और एक बात गाइस, इस स्ट्रिप को जो है आपको उल्टा करके इसके अंदर जो है डालना है। इस तरीके से आप अगर सीधा करके डालोगे तो ये तुरंत जाके अंदर जो है चिपक जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको पहले जो है इसको उल्टा करके डाल देना है पूरा, फिर आपको सीधा करके चिपका देना है। तो चलिए धीरे धीरे करके मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। देखिए गाइस स्ट्रिप जो है पूरा अंदर चला गया है। अब स्ट्रिप को सीधा करके जो है चिपकाना पड़ेगा, तो उस साइड से भी हमें जो है पकड़ना पड़ेगा। तो गाइस इसके अंदर स्ट्रिप को बढ़िया से डाल के जो है चिपका दिया हूँ देख सकते हो, एकदम सीधा करके आपको जो है स्टेप से चिपका देना है। और अब गाइस इसका जो ये वाला एंड पॉइंट है यहाँ पर जो है कवर कर देना है। पहले जो ये कवर लगा हुआ था इसी को हमें जो है यहाँ पर लगा देना है। सिंपली इस तरीके से सेट करके लगा देना है। और इसके बाद गाइस ये जो वायर है इसको हमें यहाँ पर होल करके पीछे साइड से जो है निकाल देना है। तो चलिए होल करके इस वायर को निकाल देता हूँ।
तो ये वाला ट्यूबलाइट जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलिए सेम प्रोसेस से बाकी जो ट्यूबलाइट बचा हुआ है उसमें मैं स्ट्रिप को डाल के मस्त फिट कर देता हूँ। तो गाइस सभी ट्यूबलाइट को बिल्कुल रेडी कर लिया हूँ और फाइनली ये खराब ट्यूबलाइट से बना हुआ डेकोरेशन लाइट बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। अब चलिए जल्दी से इसको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है इन सभी को जो है आपस में कनेक्शन करना पड़ेगा और सभी को मैं यहाँ पर पैरेलली कनेक्शन करने वाला हूँ। आप यहाँ पर जो है सिंगल इस ट्यूबलाइट को भी जलाकर मस्त कलरफुल इफेक्ट जो है ले सकते हो इसमें से। तो मैं यहाँ पर 5 बनाया हूँ तो 5 को एक साथ जलाऊंगा, देखने में काफी मस्त लगेगा। तो चलिए सभी को मैं कनेक्शन कर देता हूँ। कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली इस टाइप का एक केबल बना लिया हूँ। देखिए सभी पे जो है कनेक्टर लगा हुआ है और यहां पर सभी ट्यूबलाइट को मैं पैरेलली कनेक्ट करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से मैं कनेक्शन कर देता हूं। देखिए इस तरीके से मैं सॉकेट बनाया हूं ताकि आसानी से जो है कनेक्ट हो सके। तो गाइस 5 ट्यूबलाइट को मैं इस केबल के साथ जो है जोड़ दिया हूँ, सभी को पैरेलली जोड़ा हूँ। और ये वाला जो कनेक्टर देख रहे हो मेल कनेक्टर, यहाँ से हम जैसे ही पावर देंगे सभी ट्यूबलाइट जो है जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर जो है हमें 24 वोल्ट इनपुट करना है और साथ में यहाँ पर जो है हमें डाटा भी इनपुट करना है कंट्रोलर से, तब जाके ये पिक्सल ट्यूबलाइट जो है ग्लो होगा। तो गाइस पावर देने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा इस वाले 24 वोल्ट पावर सप्लाई का और साथ में जो कंट्रोलर यूज करने वाला हूँ वो है ये वाला कंट्रोलर। इसका मॉडल नेम आप देख सकते हो SP107E। काफी बढ़िया कंट्रोलर है। एक तो इस कंट्रोलर को आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल करके जो है मस्त कंट्रोल कर सकते हो और साथ में आप अपने किसी भी म्यूजिक सिस्टम में इस कंट्रोलर को लगाकर लाइट को जो है म्यूजिक के साथ जो है जला सकते हो। देखने में तो एकदम मस्त लगता है। अब चलिए फटाक से मैं कंट्रोलर को जो है बाहर निकाल लेता हूँ। ऑलरेडी मैं पहले ही एक बार बॉक्स को खोलकर देख लिया था इसके अंदर क्या क्या है। तो ये रहा मेन कंट्रोलर और साथ में ये एक पावर देने के लिए एक फीमेल कनेक्टर दिया है और साथ में यहाँ पर भी एक फीमेल कनेक्टर है LED को कनेक्ट करने के लिए। और क्या क्या है, और देखिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर दिया है केबल को कनेक्ट करने के लिए कंट्रोलर के साथ। और यहाँ पर देखिए एक ऑक्स केबल दिया है म्यूजिक सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए इस कंट्रोलर को। देखिए कुछ इस टाइप का यूजर मैनुअल है और यहाँ पर देखिए नीचे ये जो है कैसे कनेक्ट करना है वायर वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मेन कंट्रोलर 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक इनपुट देकर इस कंट्रोलर को चला सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा पिक्सल LED कनेक्ट होगा और इस साइड में देखिए एक छोटा सा जो है हेडफोन जैक जैसा दिया है, ये ऑक्स केबल कनेक्ट करने के लिए है। तो सभी वायर को मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन करना काफी इजी है। देखिए यहाँ पर तो प्लस और माइनस लिखा हुआ है, 24 वोल्ट इनपुट यहीं से दे देना है। और यहाँ पर देखिए GND लिखा हुआ है, तो यहाँ पर LED का जितना भी ग्राउंड वाला वायर है सब इसमें कनेक्ट होगा। और ये जो डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर डाटा का ग्रीन कलर का वायर कनेक्ट होगा। और यहाँ पर VCC जो लिखा हुआ है LED का जो पॉजिटिव वायर है वो कनेक्ट होगा। और बीच में ये देख सकते हैं CLK लिखा हुआ है, इसको छोड़ देना है। तो चलिए मैं जल्दी से इस कंट्रोलर को जो है इस ट्यूबलाइट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और कनेक्शन करना काफी इजी है, यूजर मैनुअल पे दिया गया है कैसे कनेक्शन करना है। तो चलिए जल्दी से मैं इस कंट्रोलर को इस ट्यूबलाइट के साथ जो है कनेक्ट कर देता हूं। तो कंट्रोलर में सभी वायर को बढ़िया से टाइट करके लगा दिया और पीछे जो ये स्क्रू है इसको अच्छे से टाइट करना है आपको। तो अब चलिए इस कंट्रोलर को यहां पर लगा देते हैं। पहले क्या करते हैं, इस ट्यूबलाइट को जो है एक एक करके सजा देते हैं बिल्कुल सामने करके। अब चलिए इस पावर सप्लाई को मैं स्विच बोर्ड पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए कनेक्ट कर दिया और स्विच को भी ऑन कर दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर सभी ट्यूबलाइट जो है ग्लो करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जो है जल रहा है। अभी तो स्टूडियो का लाइट जल रहा है, बाद में आपको बंद करके जो है दिखाऊंगा, अभी बहुत सारा काम बाकी है। और गाइस ये जो अभी इफेक्ट आप देख रहे हो ये जो है कंट्रोलर से ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे ही पावर इन किया हूँ तुरंत ये इफेक्ट जो है जलना स्टार्ट हो चुका है। अभी हमें जो है इस कंट्रोलर को स्मार्टफोन के साथ जो है कनेक्ट करना है, तब जाके इसका इफेक्ट जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं स्मार्टफोन के साथ इस कंट्रोलर को जो है कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं फोन ले लिया हूँ। अब चलिए इसमें जो है ऐप स्टोर में हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं ऐप स्टोर खोल लेता हूँ और इसमें आपको सर्च करना है LED पेस्ट देना है, उसके बाद कार्ड। देखिए यहाँ पर आ चुका है ये वाला एप्लीकेशन, ये सबसे ऊपर में जो है ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है LED कार्ड। और मेरे फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
और ये जो एप्लीकेशन का नाम है वो आपको कंट्रोलर का जो बॉक्स है उसमें ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एलईडी कार्ड लिखा हुआ है। और गाइज ये जो एलईडी कार्ड वाला एप्लीकेशन है ये आपको एंड्रॉइड और आईओएस पे दोनों पे मिल जाएगा। तो मैं अभी आईओएस पे करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन का ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको स्वाइप करना है। देखिए यहाँ पर कुछ मॉडल नेम आ रहा है, तो हमारा कंट्रोलर का जो मॉडल नेम है वो है SP107E, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट हो चुका है ऐप के साथ, और उसके बाद यहाँ पर जो एंटर है इसे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे ये पूरा जो है कंट्रोल पैनल आ जाएगा। अब यहाँ से जो है हम कंट्रोलर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस है, यहाँ पर देखिए टोटल 180 जो है इफेक्ट है। इस इफेक्ट को जो है हम ऑटो में भी चला सकते हैं और इसको एक एक करके नेक्स्ट करके भी चला सकते हैं। और नीचे देख सकते हैं यहाँ से हम कलर चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंजिंग जो है हो रहा है, तो इस तरीके से आप कलर चेंजिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस जो है कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जीरो कर दिया हूँ, देखिए पूरा लाइट ऑफ हो चुका है। धीरे धीरे बढ़ाते हैं, देखिए पूरा फुल कर देता हूँ। और ये जो है स्पीड का कंट्रोल है, यहाँ से आप स्पीड जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं एलईडी का। और अभी जो है स्टूडियो का फुल लाइट जल रहा है, सब लाइट बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ, तब जाके मज़ा आएगा। तो चलिए लाइट बंद कर देते हैं। देखिए गाइस लाइट जैसे ही बंद किया हूँ पूरा यहाँ पर जो है अच्छे से दिख रहा है, पूरा रेड कलर का ग्लो हो रहा है। अब चलिए धीरे धीरे मैं इसका जो है इफेक्ट चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए गाइस काफी मस्त यहाँ पर जो है इफेक्ट जल रहा है, और टोटल यहाँ पर जो है 180 इफेक्ट जो है आप चेंज कर करके जला सकते हो। अभी चलिए कलर चेंज करके देखता हूँ। तो यहाँ से जो है कलर आप इस टाइप से जो है सेट कर सकते हो अपने मनपसंद। देखिए यहाँ पर पूरा जो है रेड हो चुका है। अभी चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, और ये देखिए मस्त इस तरीके से जो है आप कलर अपने हिसाब से चेंज करके सेट कर सकते हो। और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, देखिए देखिए पूरा रेड हो चुका है, और देखिए यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप जो है कलर चेंज करके मस्त इसको जला सकते हो। अभी चलिए कुछ मैं इफेक्ट जला कर दिखाता हूँ। और 180 इफेक्ट है, मतलब एक एक करके तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, तो मैं ऑटो में सेट कर देता हूँ और एक एक करके आप देखते रहिए इसका सिनेमेटिक शॉट। तो गाइस देखा आपने इसका इफेक्ट काफी मस्त लग रहा था देखने में। अब चलिए इस डेकोरेशन लाइट को म्यूजिक के साथ चलाकर देखते हैं। तो उसके लिए हमें जो है इस ऑक्स केबल को कंट्रोलर के साथ जो है कनेक्ट करना है। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं ये ऑक्स केबल में जो है दो स्टेप का मेल कनेक्टर है और एक जो है फीमेल कनेक्टर है। तो इसमें से मेल कनेक्टर एक ले लेना है, इस कंट्रोलर में डायरेक्ट जो है लगा देना है। और जो दूसरा एक मेल कनेक्टर बचा हुआ है इसमें हम जो है अपना फोन लगा देते हैं जिससे हम गाना बजाएंगे, तो इसमें कनेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद ये जो फीमेल कनेक्टर है यहाँ पर हमें कोई सा भी एक स्पीकर लगाना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है ये ब्लूटूथ स्पीकर का जो ऑक्स केबल का जैक है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए पूरा सेटअप जो है हो चुका है। तो चलिए अभी फ़ोन में सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर सॉन्ग को मैं प्ले कर दिया हूँ और यहाँ पर NCS म्यूजिक चला रहा हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा दूसरा कोई सॉन्ग बजाऊंगा तो। अभी हमें जो है इस ब्लूटूथ स्पीकर में जो है ऑक्स मोड में सिलेक्ट करना है। देखिए ऑक्स मोड जैसे ही आया है सॉन्ग बजना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमारा ये जो लाइट है ना सॉन्ग के साथ म्यूजिक के साथ जो है नहीं जल रहा है। तो इसको जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली कंट्रोलर का जो ऐप है इसमें आना है और यहाँ पर देखिए ये जो म्यूजिक का ऑप्शन है इसे क्लिक करना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए म्यूजिक के साथ यहाँ पर सारा LED जो है जलना स्टार्ट हो चुका है और देखने में तो एकदम मस्त लग रहा है। चलिए लाइट बंद करके दिखाता हूँ। Try for you, won't
गाइस देखा आपने, ये डेकोरेशन लाइट म्यूजिक के साथ काफी बढ़िया से डांस कर रहा था। आप इजीली इस डेकोरेशन लाइट को बनाकर इस दिवाली में घर को मस्त डेकोरेशन कर सकते हो। तो ये डेकोरेशन लाइट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।